हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग तो कल आपने मेरे वीडियो में देखा रहेगा कि मैं शिरढ़ी आई हुई हूँ तो मैं वहाँ से ही कंटिन्यू कर रही हूँ ये व्लॉग फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं नहा के डे टू पे अपने अगर आपको नहीं पता है तो मेरा दूसरा दिन है और हम लोग चेकआउट करने वाले हैं कुछ दस ग्यारह बज रहा है आई थिंक दस बजे या साढ़े बजे हम लोग निकल गए थे तो मैं फ्रेशन अप होकर अपने स्किन केयर कर रही हूँ और स्किन केयर में आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ गाइज विद एज मैंने रियलाइज़ किया है आप अगर अपने ट्वेंटीज़ में हो और अगर आप जो स्किन केयर करते हो दैट विल शो रिजल्ट वेन यू विल बी इन योर लेट ट्वेंटीज़ मतलब आप जब आप ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन के होते हो ना तो आपको जो भी आपने सात आठ साल पहले किया हुआ स्किन केयर है अपने अर्ली यंग में वो सब रिज़ल्ट आपको बाद में ही मिलता है और uh, मैं आपको यही बोलूँगी मेरी ऑडियंस जैसे अठारह साल से थर्टी फाइव ईयर्स तक है तो जितने भी यंग लोग हैं जो भी टीन uh, एज हैं प्लीज़ स्किन केयर पर ध्यान दो बिकॉज़ वो आपको एकदम एंड में रिज़ल्ट शो करेगा एंड यू विल फील दैट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट टू योर स्किन और आप हमेशा यंग लगते रहोगे मेरी स्किन शुरू से ही टच हुट बहुत ही अच्छी रही है बट अभी uh, मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ताकि मेरी स्किन ऐसे ही मेनटेन रहे विथ एज और अभी मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ आप देख सकते हो कि कितने सारे स्नैक्स प्रतीक लेकर आया था एक्चुअल में वो कहीं पे भी जाता है तो उसकी बहुत ही अच्छी आदत मुझे लगती है ये कि वो स्नैक्स काफ़ी सारे कैरी करता है कुछ ना कुछ खाने के लिए बैग में रहता ही है सो so दैट अगर हम कभी भी कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएँ जहाँ पर हमें खाना नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू ईट तो वो कुरकुरे लेस कुछ ना कुछ तो पैक करता ही करता है एंड आई लाइक रियली दिस थिंग अबाउट हिम मैं ध्यान नहीं देती बट uh, हाँ मेरा हस्बेंड मुझसे ज़्यादा थोड़ा ऑर्गेनाइज है और uh, हाँ दो कपल में से खैर एक जन तो ऐसा होता ही है आई एम मोर कंसर्नड अबाउट माई हेल्थ और यू नो माई स्किन केयर ही इज़ लिटिल बिट लीनियंट ऑन दैट पीस बट बाकी चीज़ों में ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज एंड एम ब्लेस टू हैव हिम और मुझे कभी कभी बोलता भी रहता है कि तू कैसे कितनी लेजी हो जाती है एंड यू नो गर्ल्स की हम लोगों को ऐसा फील होता है समटाइम्स हमारा मूड अच्छा हो रहा होता है कभी नहीं अच्छा हो रहा होता है मतलब हमारे इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि हर दिन हमारा अलग होता है uh, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं सो so, आप देखो यहाँ पर हम लोग थमनेल के लिए पोज कर रहे थे थोड़े पिक्चर्स विक्चर्स ले रहे थे uh, क्योंकि यही तो मेमोरीज़ हैं एंड आप भी प्लीज़ अपनी यंग एज में जितना घूम सको जितना एक्सप्लोर कर सको करो बिकॉज़ ये टाइम वापस नहीं आता है उसके बाद कैसे हम लोग निकल गए थे साईं बाबा के दर्शन करने करने हमारा प्लान ये था कि फर्स्ट डे हम लोग होटल में रहेंगे थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे साई बाबा के दर्शन करेंगे पोस्ट चेकिंग आउट चेकआउट करने के बाद हमारे पास अच्छा खासा दर्शन करने का टाइम था दो सौ रुपये का हमने वीआईपी पास ले लिया था जिससे हमें डेढ़ घंटे में दर्शन बहुत ही अच्छे से मिल गए थे उसके बाद हम लोग बाहर आके ये जो आप मेज देख रहे हो इतना बड़ा यहाँ पे ना प्रसाद मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर खाना फ्री में खिलाया जाता है ऑनेस्टली प्रतीक वॉज नॉट ओके टू कम हियर वो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा था कि पता नहीं कैसा खाना होगा बट जब ही खाना आया तो इट वॉज़ रियली नाइस बहुत ही हल्का खाना था और वो इतने सारे लोगों को केटर करते हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है पाँच हज़ार से दस हज़ार लोग एक बार में खाना खा सकते हैं वहाँ पे और ये सुबह दस बजे से लेकर आई थिंक नौ या दस बजे से लेकर रात के दस बजे तक चलता है फिर हमने लोकली वहाँ पे टाइम पास किया बैठे रहे फिर हमने अपनी फिर से ट्रेन बोर्ड करी हमने वंदे भारत की बोर्ड करी लौटते टाइम पे भी और ट्रेन का टाइमिंग जो था वो था कुछ पाँच पंद्रह या साढ़े पाँच बजे के बीच में जैसे ही हम ट्रेन में गए आप देख सकते हो हमें उन्होंने नाश्ता दे दिया था और नाश्ते में इस बार था वड़ा चकली चकली बहुत टेस्टी थी मैं खा नहीं रही थी वड़ा थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा था गरम नहीं था तो इतना मज़ा नहीं आया उसके बाद मैंने कहा इस बार चाय की जगह कैपेचिनो लिया ये नेस कैफे गोल्ड की कैपेचिनो उन्होंने दी थी और ट्रस्ट मी आई वॉज़ लाइक नहीं अच्छी होगी बट ये एकदम जो कैपिचिनों का टेस्ट होता है ना मतलब मशीन से निकली हुई कॉफ़ी अगर आपने कभी पी होगी या फिर घर पर खूब सारा यू you नो know, घर वाली कॉफ़ी पी होगी तो एकदम वैसे ही टेस्ट था परफेक्ट स्वीटनेस यूजअली आई डोंट लाइक मिल्क वाला कॉफी बट रियली आई लाइक डिस वन फिर हम घर पहुंच गए और काफ़ी टाइम लग गया था हमें आने में लाइक साढ़े ग्यारह बजे हम ट्रेन से उतरे थे तो करीब हमें साढ़े बारह बज गया था घर आने में और उसके बाद मैं हेड मसाज करके अपनी ब्रेड्स बना रही हूँ जो रेगुलर रूटीन आपने मिनी व्लॉग्स में भी काफ़ी बार ही देखा होगा आपने आप मेरा नाइट रूटीन मैं यूजली यही चीज़ें करती हूँ और ऑनेस्टली बिल्कुल भी मन नहीं था आने के बाद मेकअप उतारने का क्योंकि मैंने हल्का सा मस्कारा और जैसे आपने सुबह देखा कि मैंने मेकअप तो वेयर किया ही ताज हल्का तो हाँ बिना मेकअप क्लीन करे तो मैं नहीं सो सकती कितना भी लेट हो जाए कितनी भी रात हो जाए बट हाँ वी वर नॉट टायर्ड वंदे भारत में एक चीज़ थी कि पाँच घंटे अगर आप बैठे बैठे जा भी रहो ना आपको थकावट नहीं लगेगी बहुत ही स्मूथ जर्नी होती है जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया फिर मैंने स्किन वगैरह क्लीन करने के बाद फेस वॉश करने के बाद जो मैं रेगुलर नाइट क्रीम लगाती हूँ मैंने वो अप्लाई करी एंड मेरा हमेशा से रिचुअल है जब भी मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ ना प्रतीक और हम बहुत ही बात करते हैं आप हमेशा मेरा ऐसा मुंह चलता हुआ देखते रहोगे शाम के टाइम पर बट वेन ही इज़ अराउंड वी आर नॉट द क्वाइट पीपल इन अर रूम कुछ ना कुछ हम बात करते ही रहते हैं अभी तो मैंने उसको चुप कराया था कि अभी कुछ बोलना मत लेकिन फिर भी वो बोल दिया था क्योंकि मैं अभी खुद भी एडिट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यार मेरा पूरे टाइम वो चलता रहता है एनी वेज गाइज उसके बाद मैंने मेडिसिनस खाई और आप देख रहे हो मिनी ब्लॉग्स में कि मैं आजकल मेडिसिन ले रही हूँ और ये सारे सप्लीमेंट्स हैं हेयर फॉल हो रहा है मुझे काफ़ी सारे डेफिशेंसीज़ आ गए हैं तो उसके मेडिसिन हैं आप लोग ऐसे कोई भी मेडिसिन खुद से मत लेना प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स मैंने पहले बत्ररा का ट्रीटमेंट किया था तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ तो चलो गाइज अभी मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो बाय